भी यदि ध्यान से बैठे हैं तो एक संत की जो चर्चाएं हैं, संत महात्माओं की, सन्यासियों की, जो परमार्थ के पथ पे चल पड़े हैं, उनकी चर्चाओं में एक शब्द बार बार कान में पड़ता है, एक शब्द पाथे। ये शब्द बार बार कान में पड़ेगा, पाथे। जैसे कोई आप कहीं जब 10, 20, 50 लोगों का एक समूह मिलके किसी यात्रा पे जा रहे हो, लंबी यात्रा पे जाना हो, किसी वन मार्ग से आप गुजर रहे हैं और वहां कोई अपने साथ के लोगों से बिछड़ गया, एक अलग रह गया, लोग आगे निकल गए, तो वहां उसे अपनी क्षुधा मिटाने के लिए या मार्ग ढूंढने के लिए कि नया मार्ग में देखूं कैसे उन लोगों तक पुनः पहुंचूं या कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचूं, तो एक पाथे की जरूरत होती है। पाथे मतलब पथ में जो काम आने वाला है। जैसे बालक स्कूल जाता है सुबह, तो माताएं उनके लिए टिफिन लगा के दे देती हैं, एक लंच बॉक्स, कि जब इंटरवल होगा, मध्याह्न होगा, तो उस समय जब भूख लगेगी तो इस टिफिन में से खोल के खा लेना। तो ऐसे ही जब आप यात्रा पे होते हैं, कहीं दूर जाना होता है, तो घर से अपने साथ कुछ सामान लेके चलते हैं, कुछ आहार ले लिया, नमकीन ले ली, बिस्किट मठरी ले लिए, कुछ लोग बाहर का नहीं लेते तो घर से ही सत्तू लेके जा रहे हैं अपना, कि जब मार्ग में भूख लगेगी और कोई मेरे आसपास नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी मेरे पास उस समय, तो ये जो मैं अपने साथ लेके चल रहा हूं, इसमें से निकाल के कुछ मैं ले लूंगा और फिर अपनी यात्रा पर आगे चल दूंगा, पाथे। तो जब संतों की टोली में या कहीं सत्संग में आप ध्यान दे के सुनेंगे तो वहां ये शब्द बार बार आपके कान में पड़ेगा। तो जो ये जीवन की यात्रा है, ये जीवन भी तो एक यात्रा है। आप एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, आपका जन्म हुआ है और अब आपको अपने मोक्ष की तरफ जाना है, ये यात्रा है। इसका भी तो लंच बॉक्स चाहिए। बीच में जब कभी बहुत कष्ट हो जाएगा, एकदम अंधकार हो जाएगा, कभी कोई मायूसी आ जाएगी, कोई कष्ट हमें घेर लेगा, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, कभी हम अकेले हो जाएंगे, तो हमारे पास हमारा पाथे होना चाहिए। और ये जो जीवन यात्रा का लंच बॉक्स है, ये जो जीवन यात्रा का पाथे है, ये जो जीवन यात्रा में आप जो चल रहे हैं अनवरत, जन्म लेने से यात्रा प्रारंभ हुई वर्तमान, लेकिन न जाने कब से, भवाटवी से, जब से सृष्टि का, जब विष्णु ने ये सोचा कि एको हम बहु श्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं, हम जब के हैं, बड़े प्राचीन हैं हम। ये तो उसका एक पड़ाव है कि आप मानव जीवन में आए। ये एक जीवन है जिसमें आप यदि आध्यात्मिक गलियारे में चल पड़े तो बहुत किसी महनीय उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी अल्पता पर काबू पा लें, हर समय जो अभाव एक मन में है कि मेरे पास वाहन नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास रूप नहीं, मेरे पास ज्ञान नहीं, मैं ऊंचे कुल में नहीं, ऊंचे गोत्र में नहीं, मेरे पिता कुछ नहीं, ये जो अल्पता है जो हर समय हमें चारों तरफ से घेरे हुए है,
जो कभी भी सुखी नहीं रहने देती। यदि तो इस अल्पता को आप जीत जाएं, तो भवाटवी की यात्रा भी तुरंत समाप्त हो सकती है। यदि आध्यात्मिक गलियारा आपने पकड़ लिया, धर्म का पथ आपने थाम लिया, तो आपको पता नहीं कि आप कहां पहुंच सकते हैं। आप इस सृष्टि की दिशा देने वाले बन सकते हैं, आप अजेय बन सकते हैं। एक तो यह होता है कि आपके आने वाले पीढ़ी आपका नाम चलाएं। एक कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली पीढ़ियों को कोई न जाने और आपका नाम अनवरत काल तक इस सृष्टि में गूंजता रहा। एक ऐसा भी जीवन है। तो जब आप जीवन पथ पे हैं, तो उस समय आपको पाथे की जरूरत पड़ेगी कि कहीं जब कोई कठिनाई आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, अनायास आप अकेले हो जाएं, कुछ समझ में ना आए, मति भ्रम हो जाए, तो उस समय आपका पाथे आप निकाल के खा लें, उसमें से उपयोग कर लें। अब ये जीवन की जो यात्रा है, इसके लंच बॉक्स में, इसके पाथे में रखा क्या जाएगा? क्या इसमें लड्डू मठरी रखोगे? ना। जो जीवन यात्रा है, जो भवाटवी की यात्रा है, जो हम जीवों की यात्रा है, और हमें कहां जाना है, हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? यदि हम जीव हैं, तो हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है परम ब्रह्म परमात्मा से मिलना। उसके बीच की जितनी भी चीजें हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं। इधर सांस निकली और लोग रो रहे हैं, अगली सांस तो आप किसी और के यहां लेंगे। एक सांस का भी तो गैप भगवान आपको देंगे नहीं। एक सांस का भी आपके पास दूसरा जन्म लेने के लिए समय नहीं है, वो पहले से पूर्व निश्चित है। यहां आपने सांस छोड़ी और वहां अगली सांस, कितना छोटा सा अंतर है। एक सांस लेने में कितना तो एक लम्हा लगता है, पर इतने में आप चले जाएंगे दूसरी जगह, और यहां लोग रोते रहेंगे। यात्रा अनवरत है, इसके लिए पाथे चाहिए। तो जो जीवन यात्रा का पाथे है, उसमें लड्डू पेड़ा मठरी बिस्किट नमकीन नहीं रखा जा सकता। उसमें क्या रखा जाएगा? उसमें आपका तप रखा जाएगा, आपका जप रखा जाएगा, आपका अध्यात्म रखा जाएगा, आपकी साधना रखी जाएगी, आपकी प्रदक्षिणा रखी जाएगी, आपका दान रखा जाएगा, आपके पुण्यों के पाथे की बात हो रही है यहां। एक पुण्यों की पोटली, जब आप यात्रा पर जाते थे तो मैया एक पोटली बना के रख देती थी कि इस पोटली में तेरा रास्ते का खाना है। अब आपको अपनी जीवन यात्रा के लिए एक पुण्यों की पोटली चाहिए कि जब कभी पथ से नीचे गिरे तो वो पुण्य आपको साध ले। उस पोटली में से थोड़ा सा हिस्सा आपके काम आ गया और जीवन फिर से सुनहरा आगे चल गया। धर्म के गलियारे से जरा भी भटकाव नहीं हो पाया, क्योंकि पुण्य इतने प्रबल थे, इतने ताकतवर थे, इतने जागृत थे, इतने स्पष्ट थे कि जिन्हें कोई भी निहार सकता था। फिर विष्णु से कैसे गलती होती? अब फिर यह बात आई कि साधना कैसे हो? साधना तो बड़ी कठिन है। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ये बड़ा कठिन है महाराज, साधना कैसे होगी? हमें तो नियम नहीं मालूम साधना के, कैसे तो उसमें अंगन्यास होता है, कैसे संकल्प होता है, कैसे शुद्धि होती है, कैसे आह्वान होता है, बड़े नियम है। हम तो भूले वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता। वो पाथे का निर्माण कैसे होगा? वो जो लंच बॉक्स की बात हो रही है, वो जो पथ के एक डिब्बे की बात हो रही है, वो पुण्यों की पोटली की जो बात हो रही है, उसमें पुण्य आएंगे कैसे? वो कैसे इकट्ठे करें? हमें साधना करना कैसे आए? हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है?